हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मैट टेक के तरफ से आने वाला निमोलाइजर का आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं और बताऊंगा कि मैंने इसको कहां से और कितने प्राइस में परचेस किया, आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो हे गाइज, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये निमोलाइजर परचेज करना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप इसको डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में मिल जाता है। आप देख सकते हैं बॉक्स पैकिंग काफी अच्छा होकर आया हुआ है। और मैं आपको मेडटेक का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है और जस्ट उसके नीचे में आपको निमोलाइजर हैंडी नेब स्मार्ट लिखा हुआ मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी भी मिल जाता है। जिस दिन से आप इसको परचेस करेंगे उस दिन से आपको इस पर 2 ईयर का वारंटी भी मिल जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल 2023 का, आप देख सकते हैं। वहीं इसका MRP मेंशन है 1625 रुपये का, यानी कि 1625 रुपीस इसका MRP मेंशन है। और इसमें इसका सारा डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि कस्टमर केयर नंबर, सारा कुछ। आप इसको पॉज करके भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वहीं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विथ हैंडल आपको ये मिल जाता है, कैन बी माउंटेड, ये देखिए। और तीसरा है विथ सेफ्टी फ्यूज, और चौथा है आपको पावरफुल कंप्रेसर आपको इसमें मिल जाता है। मॉडल है स्मार्ट मॉडल इसका नाम है, जो कि हैंडी नेब स्मार्ट के नाम से ये मिलता है आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको सिंपली ओपन करता हूं और मैंने इसको कितने प्राइस में परचेस किया वो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं। तो चलिए अब हम इसको सिंपली करते हैं ओपन। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हैं आपको इसका एसेसरीज पार्ट मिल जाता है, जैसे कि पाइप, कनेक्टिंग पाइप और इसका जो मास्क रहता है वो मिल जाता है। और अंदर साइड में आपको निमोलाइजर जो मेन कंप्रेसर है वो मिल जाता है। और इसके अंदर में आपको कुछ और पेपर वर्क मिल जाता है, जैसे कि वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं, ये देखिए यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड। और आपको इसमें कुछ प्लीज डू लीव अ प्रोडक्ट रिव्यू आपको लिखा हुआ मिल जाता है, अमेजॉन ऐप और फ्लिपकार्ट ऐप दोनों का ही आपको इसमें दिया गया है। और इसमें इनके कुछ और अदर प्रोडक्ट के बारे में भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसके और प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्या क्या बनाता है। तो ये सारा कुछ आपको इसके साथ में मिल जाता है। तो चलिए अब हम रखते हैं ये बॉक्स को साइड में। तो दोस्तों, बॉक्स को रख दिए हैं हम साइड में, अब हम इसको ओपन करते हैं। जो हमारा मेन यूनिट है, जो हमारा कंप्रेसर है, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्यारा सा हैंडी सा आपको छोटा सा मिल जाता है और इसका नाम भी हैंडी नेब है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे ही इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, काफ़ी छोटा सा है और इसको पकड़ने के लिए आपको हैंडल भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ भी हो जाता है। और वहीं हम इसके वायर की बात करें तो वायर का क्वालिटी नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त वायर का क्वालिटी है। और इसका वायर का लेंथ भी हम देख लेते हैं एक बार ओपन करके कि इसका लेंथ कैसा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका वायर का जो लेंथ है वो लगभग 1.5 मीटर का लेंथ आपको मिल जाता है। और जो ये वायर का क्वालिटी नो डाउट काफ़ी गजब का वायर का क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फैन मिल जाता है, जो कि कंप्रेसर है अंदर में, तो ये फैन भी काफ़ी अच्छा पावरफुल सक्शन करता है। ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पावरफुल सक्शन करता है। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कनेक्टिंग पाइप लगाने का मिल जाता है और इधर आपको फैन मिल जाता है कंप्रेसर का। और यहाँ पे वॉल माउंट करने के लिए भी आपको एक आपको होल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हैंडी नेब स्मार्ट का आपको ब्रांडिंग भी लिखा हुआ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अदर एसेसरीज को भी हम ओपन करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें आपको और भी क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों, एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज में आपको मिल जाता है कनेक्टिंग पाइप, आप देख सकते हैं ये देखिए कनेक्टिंग पाइप आपको मिल जाता है। और इसका लेंथ लगभग होगा दो मीटर का, इसका जो कनेक्टिंग पाइप का जो लेंथ है ये 2 मीटर का है। आपको इसमें दो टाइप का मास्क मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
तो आप देख सकते हैं एक है एडल्ट मास्क और एक है चाइल्ड के लिए मास्क, यानी कि इसमें आपको दो मास्क मिल जाता है। अगर बच्चे में लगाना है तो आपको ये वाला लगाना है, और एडल्ट है कोई बड़ा आदमी है उसमें ये बड़ा वाला मास्क लगेगा। यहाँ पे आपको मेडिसिन के लिए आपको एक कंटेनर मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 2, 4, 6, 8 ml का यहाँ पे आपको रेटिंग दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग आपको दिया गया है, इसके हिसाब से आपको इसके अंदर मेडिसिन डालना है। और एक आपको ये एक्सटेंशन पाइप मिल जाता है। तो ये सारा कुछ इस निमोलाइजर के साथ आपको मिलता है। तो दोस्तों मैंने इस निमोलाइजर का आपको अनबॉक्सिंग करके बता दिया है, अब मैं आपको इसको यूज कैसे करना है आपको वो करके बताता हूँ, ताकि आपको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम इसको सिंपली यूज करके बताते हैं आपको, और साथ ही साथ आपको इसका डेमो मैं अब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पाइप को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको होल मिल जाता है, इस पे आपको इसको पाइप को कनेक्ट कर देना है। इसको कनेक्ट करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इसको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए सेकेंड स्टेप में ये पाइप का जो कनेक्टिंग पाइप है, इसको यहाँ से आपको इसमें लगाना है। ये देखिए आपको इसमें लगा देना है। ये देखिए ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप, ये कर लेना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको मास्क लगाना है तो यहाँ पे आपको मास्क लगाना होगा ऐसे, ये देखिए ऐसे मास्क लगाना होगा। अगर एडल्ट का मास्क लगाना है तो ये वाला लगाना होगा, और अगर चाइल्ड का लगाना होगा तो ये वाला लगाना होगा, ये वाला मास्क लगाना होगा। और अगर आपको माउथ पीस लगाना होगा तो आपको ये वाला लगाना होगा, ये माउथ पीस के लिए काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको इसको यूज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लगाते हैं एडल्ट मास्क, अगर चाइल्ड है तो आप चाइल्ड मास्क लगा सकते हैं, और एडल्ट है तो एडल्ट मास्क लगा सकते हैं। तो आपको इसको सिंपली ऐसे लगाना होगा, ये देखिए मैंने इसको लगा दिया, और यहाँ पे मैंने अभी लिक्विड की जगह पे पानी डाला है आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद हमको इसको सिंपली पहन लेना है, ये देख सकते हैं मैंने इसको पहन लिया है, ठीक है। ये देखिए अब पहनने के बाद मैं इसको सिंपली ऑन करता हूँ, और जो यहाँ पे एयर आ रहा है इसको आपको इनहेल करना है, आपको अपने नोज से इनहेल करना है ताकि आपको रिलीफ मिल सके। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये देखिए ये कुछ ऐसे वर्क करता है। अब चलिए अब मैं कंप्रेसर को बंद कर देता हूं। अब इसके जगह मैं आपको ये माउथ पीस लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा माउथ पीस है, ये देखिए ये जो पाइप माउथ पीस में डालने का काम आता है, इससे इनहेल करने का काम आता है। चलिए अब मैं सिंपली इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको अपने माउथ में डालना है, और माउथ में डालने के बाद इसको सक करना है, इनहेल करना है, ठीक है। तो मैं माउथ पे डालता हूँ, ये देखिए, और इसको सक करना है अपने अंदर में माउथ से, ताकि आपको रिलीफ मिल सके। तो आप इसको नोज से भी लगा सकते हैं, और माउथ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप दोनों ही तरीका से यूज कर सकते हैं, और आप रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मैंने इसको कहाँ से और कितने प्राइस में परचेस किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और साथ ही साथ आप इसको मेडटेक के वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, उसका भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूँ। और आप साथ ही साथ मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपना जो भी डाउट है वहाँ भी आप मेरे से कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।